हथ बन मैं बेनती करना जे ओए बजुर्गों की असीस ले लो रब की असीस गुरु की असीस आपे ही झोली च पै जाएगी आपको सतना कित्थे रब नू खुश करन चले आ कित्थे गुरु नू खुश करन चले आ मां बाप नू आंदरा तो रवा के मां बाप नू आंदरा तो रवा के रब नू खुश करन चले आ गुरु रामदास महाराज ने कहना जा जेड़ा रब तेरे घर बैठा ही पहले उन्हों खुश कर आखो सतना या जेड़ा रब तेरे घर मां बाप के रूप च बैठा ही उन्हों खुश कर उन्हों खुश तेरा फिर इतने और जीण का चज आवे सानू सात संगत जीण का चज आवे इस समागम के राही मैं एक स्नेहा देना चाहना जी स्नेहा स्नेहा देना चाहना ना करो बजुर्गों के अत्याचार ना करो जो तुसी खा रहे हो वह खिलाओ उपर दी खिला सकते हो वध चंगी चीज वह तो होर चंगा पर अपने तो नीचे वाला काम ना करे तुसी अंदर सोवो मां बाप बाहर सो बड़िया सात संगत मैनू ये फोन कॉल्स आते बजुर्गों बार मंजा डा दें देने साड़ा इधर सो आप अंदर मां बाप तेरे मां बाप ने तो कदे ये जीवन च नहीं किया वो तेरे मां बाप तो आप गिले च सौंदे सन ते तैनू सुके च पा देंदे सन ओ भोलिया एक की कीता आगे की ना ना ये पाप है और मेरी निगाह च नहीं मैं कौन होना डिक्लेयर करने वाला मेरी की औकात है एक गुरु रामदास महाराज जी की निगाह च पाप है गुरु ने कह दिता पाप है ते बच्चर पाप है ए पाप ना कमायो चैनलों के राही जिथे जिथे आवाज जा रही है जिस नूह दे कोल आवाज जा रही है और जिस पुत दे कोल आवाज जा रही है हथ बन बेनती जी उस सस ने उस सोरे ने तुहाडे ते जो मर्जी अत्याचार किया होवे एक बारी गुरु नू सन्मुख रख के उन्हू साइड ते विसार दिओ अपने गुरु करके उन्हू ते विसार दिओ उन्हू विसार दिओ भावे लख तुहाडी सस ने जो मर्जी किया होवे हुण सेवा करन दा वेला तुहाडा है आपो सतनाम वाहिगुरु